अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगे आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ आज एक रेसिपी लेके, छोले आलू की रेसिपी है। आप प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से बना के देखना, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को सबको बहुत पसंद आएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने हाफ के जी छोले लिए थे और मैंने इन्हें पूरी रात भिगो दिया था। आप देख सकते हैं ये बड़े हो चुके हैं। उसके बाद जी मैंने इन्हें उबाल लिया था, हल्का सा नमक डाल के मैंने इसे उबाल लिया था। और उबालना इतना आया हमें कि ज़्यादा ये सॉफ्ट ना हो। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हल्के से टाइट हैं। इतना ही लेना है क्योंकि हमें अभी आगे भी इन्हें थोड़ा सा पकाना है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको फोड़ के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुके हैं। उसके बाद जी मैंने तड़के में क्या क्या लिया, मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज लिया था, उसे चॉप कर लिया था मैंने। थोड़ी सी मैंने इसमें हींग ली थी, थोड़ा सा ज़ीरा लिया था। आप देख सकते हैं हींग मैंने बहुत थोड़ी सी ली है और ये ज़ीरा लिया था मैंने, एक छोटा चम्मच ज़ीरा लिया था और एक तेज़पत्ता लिया था। तो जी मैंने यहाँ तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल लिया था और मैंने इसे गर्म करने के लिए रख दिया था। तब तक तेल गर्म होता, चलिए मैं आपको मसाले दिखाती हूँ। मैंने ये यहाँ पर 2 चम्मच धनिया लिया था, 1 चम्मच हल्दी ली थी, 1 चम्मच मिर्च ली थी और ये मैंने नमक लिया था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं बहुत कम मसालों से तैयार है ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करना। तो जी हमारा तेल हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी अपना जो भी तड़के का सामान था, मैंने उसमें सारा कुछ ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अब देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। जी ये फ्राई होने के बाद आप ये देखें साइडों से इसमें ऑयल तक आने लगा है, ये देखें आप। उसके बाद जी हम इसमें जितने भी हमने मसाले लिए थे हम सारे के सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और जब हम मसाले ऐड करते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी इसलिए क्योंकि हमारे मसाले जल नहीं जाएं। तो जी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और हम मसालों को हल्के हल्के हल्की फ्लेम पे ही भूनेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और मसालों को हम भूनते जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले कितने अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखें साइडों से ऑयल भी आने लगा है और मसालों की सबको एक पहचान है कि जब ऑयल आने लगता है तो समझ जाइए आपका जो मसाला है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छे से बन चुका है। देखिए माशाल्लाह से हमारा ऑयल कितने अच्छे से आने लगा है। तो जी मैंने यहाँ पर अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको छोटे छोटे पीस इसमें कट कर लिया था और इसी टाइम पर मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं हमारे मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए थे, उसके बाद मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए और माशाल्लाह यहीं से आपको पता लग जाएगा कि हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत लजीज बनेगी। आप ये देखें, आप एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। बहुत कम चीज़ों से और बहुत जल्दी झटपट सी ये रेसिपी बन जाती है। उसके बाद ये जो मेरे छोले थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और मैं सारी चीज़ों को आपस में खूब अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल दूंगी, जिससे हमारे आलू और छोले, मैंने आपको बताए थे मैंने ज़्यादा नहीं गलाए थे। तो जी यहाँ पर हमारे छोले और आलू हो जाएंगे। मैं 1 विसल लूँगी इसमें और माशाल्लाह विसल के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा। चलिए मैं सर्विंग में आपको निकाल के दिखा दें। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे ये छोले बने, कितने लजीज ये छोले लग रहे हैं। तो जी मैंने छोले बने और छोले के साथ पूरी ना बने ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जी मैंने छोले और पूरी बनाई थी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे छोले और मेरी पूरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी हुई फूली फूली सी। तो आप लोग को मेरी ये छोटी सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलती हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।